मतदान समाप्ति के बाद अब चुनावी गणितज्ञ अपने अपने पार्टियों के हार जीत का कर रहे हैं दावा। जीत हार पर सट्टा का बाजार है गर्म। 17वीं लोकसभा के नतीजे 23 मई को आने वाले हैं। इससे पहले चुनाव के नतीजों को लेकर चर्चा का दौर जारी है। चुनावी गणित में लोग माथापच्ची करते दिख रहे हैं। कहीं कोई जेवीएम की जीत का दावा कर रहा तो कहीं भाजपा को आगे बताया जा रहा। राजनीतिक दल के लोग भी आंकड़े लगाने में लगे हुए हैं। मधुपुर विधानसभा से लोकसभा चुनाव में भाजपा को कभी जीत नहीं मिली है, लेकिन 2019 में 74% मतदान होने से स्थिति बदल भी सकती है। चुनावी महारथियों का कहना है कि मधुपुर शहर में भाजपा का वोट है। शहर के नया बाजार, पथरचपटी, कॉलेज गली, केला बगान, पंच मंदिर, कुंडू बंगला, गांधी चौक आदि इलाकों में भाजपा को बढ़त मिली है, जबकि खलासी मोहल्ला, लखना, चांदवारी, पन्हाकोला, डंगालपाड़ा में जेवीएम ने बढ़त हासिल की है। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि 23 मई को ईवीएम में बंद परिणाम से किसके किस्मत का दरवाजा खुलता है।